आर यू? बढ़िया। आप लोगों को दो चार वीडियो भेजा गया था, वो आप लोग देख लीजिए, कोई डाउट उसको डिस्कस करते रहिए भाई। लाइक सब्सक्राइब शेयर भी ज़रूर करते रहो, ठीक है? एक दूसरे का भला करोगे तभी आपका भला होगा, सही बात यह है। आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर भी करो उसको, ठीक है? तो हम आज करने जा रहे हैं काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, अगर सपोज दैट कोई रिएक्शन है, अरे मनीष से गेट बंद करना बेटा, अगर कोई रिएक्शन है, मान लो ए गिव्स बी, उसका रेट क्या है, आर इक्वल टू के ए पावर वन। अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होगी तो हम क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू के ए पावर वन। इसका डिफरेंशियल रेट ला क्या लिखोगे, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए, ठीक है? देखो हमें क्या करना है, इसमें इसमें एक टाइप का वेरिएबल एक साइड हम सेपरेट कर देंगे, माइनस डी ए बाई ए इक्वल टू के डी टी आ गया ये। और फिर इसको हम दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये हमारा बन गया डिफरेंशियल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इसको सॉल्व करके इसकी क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है इसको। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो माइनस डी एक्स वाई क्या होता है, माइनस एल एन ए इक्वल टू के टी प्लस सी, माइनस एल एन ए इक्वल टू के टी प्लस सी, इक्वेशन फर्स्ट आ गया ये। देखो इसके बाद हमारा, देखो सी यहाँ पर क्या है, सी इज आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। हमारा मेन पर्पज क्या है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। इसके लिए हम लगाएंगे इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या बेटी, इनिशियल का मतलब क्या, जब टाइम जीरो हो। यहाँ क्या लिखोगे, व्हेन टी टेंस टू जीरो लेट ए टेंस टू ए नॉट, वेयर ए नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? अब क्या जाएगा, यहाँ से हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, माइनस एल एन ए नॉट इक्वल टू के इन टू जीरो प्लस सी, मीन्स सी इक्वल टू माइनस एल एन ए नॉट, ठीक है? या ये वैल्यू ये। फिर क्या लिखोगे यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, माइनस एल एन ए इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए नॉट। देखो के टी माइनस एल एन ए नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? माइनस एल एन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ के टी आ जाएगा, के टी इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई ए। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, रेट कॉन्स्टेंट एंड टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो इन्हें ना हमें अभी यूज करना पड़ेगा, तो मैं देखो जितने क्वेश्चंस हैं मैं उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हम यहाँ से यूज कर लेंगे। देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या है अभी, के टी इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई ए। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं के टी इक्वल टू, देखो के टी इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई ए में हम इसका अगर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एल एन ए नॉट बाई ए वर्सेस टी, अगर मान लो प्लॉट कर रहे हैं, देखिए इस टाइप से एल एन ए नॉट ए, देखिए यहाँ हमने ग्राफ प्लॉट किया, फॉर एग्जाम्पल देखो इस टाइप से। इसमें क्या है, हमने देखो यहाँ लिया, इधर क्या लिया, वाई एक्सिस पे क्या लिया गया, एल एन ए नॉट बाई ए, एक्स एक्सिस पर टी, तो इसका स्लोप कितना आएगा, ए जीरो आएगा, ठीक है? यहाँ पर स्लोप कितना आएगा, यहाँ पर देखो ओरिजिन से पास करेगी, इसका स्लोप कितना हो गया, जीरो है, इसका स्लोप कितना है, जीरो। देखो इसी इक्वेशन को हम थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारा के टी इक्वल टू, देखो के टी इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन। देखो उसका रीजन क्या, आप ले सकते हो सिंस एल एन एक्स इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स, या गई दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन एल एन एंड लॉग। एल एन क्या होता है, एल एन में बेस होता है हमारा ई, और लॉग में बेस क्या होता है, 10 होता है, ठीक है? तो हमने उसको क्या किया, बेसी को बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर यहाँ से देखो, यहाँ से फिर हम प्लॉट कर सकते हो सी टाइप, देखिए अगर एल एन लॉग ए नॉट बाई ए वर्सेस, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, के टी बाई 2.303 इक्वल टू लॉग
ए नॉट बाई, देखो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर क्या कि के टू के टी बाई 2.303 इक्वल टू, यहाँ देखो ये लॉग है, लॉग ए नॉट बाई ए, ठीक है, लॉग ए नॉट बाई ए आ जाएगा ये। इसमें फिर क्या करोगे आप, इसमें प्लॉट करोगे लॉग ए नॉट बाई ए वर्सेस टी, ठीक है। देखो तो यहाँ पर ये किससे पास करेगा, अर्जुन से पास करेगा ये, यहाँ स्लोप कितना हो जाएगा, यहाँ भी स्लोप हो जाएगा आपका के बाई 2.303, क्लियर है भाई, ये हो गया आपका के बाई 2.303। देखो ये एक आपका इक्वेशन आपको आ गया, ये इसको देखो हम कुछ और चेंज कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा लिखोगे लॉग ए नॉट बाई ए इक्वल टू के टी बाई 2.303, हम लिख सकते हैं इसको यहाँ से लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए इक्वल टू के टी बाई 2.303, फिर यहाँ लिख सकते हो क्या माइनस लॉग ए इक्वल टू, माइनस लॉग ए इक्वल टू के टी बाई 2.303 माइनस लॉग ए नॉट, फिर यहाँ लिख सकते हो आप फिर लॉग ए इक्वल टू माइनस के टी बाई 2.303 प्लस, हम इसको फिर बेटा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लियो कि मेरे ख्याल से, देखो उधर ही अब यहाँ से फिर आ गया हमारा, फिर प्लॉट करोगे ग्राफ, ग्राफ किस में प्लॉट करोगे भाई, यहाँ प्लॉट किया जाएगा ग्राफ y एक्सिस पर क्या लॉग ए, x एक्सिस पर t। देखो तो यहाँ पर स्लोप निगेटिव है, इसका इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, इसका इंटरसेप्ट होगा लॉग ए और स्लोप कितना हो जाएगा माइनस के बाई 2.30। देखो ये चीज़ आपको ना बार बार तो सही याद करना है, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इसके बाद जो देखो हम यहाँ पर ये क्लियर है, अब यहाँ से हम लिखेंगे हाफ लाइफ टाइम, देखो एक होता हाफ लाइफ टाइम, इसी में हाफ लाइफ टाइम क्या है, हाफ लाइफ टाइम इज ए टाइम इन विच फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, यही कह सकते हो कि जितने टाइम में को रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का 50% रह जाए उसको हम क्या बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम। देखो फॉर्मूला क्या हमारा, यहाँ पर हम लिखेंगे हाफ लाइफ टाइम को, हाफ लाइफ टाइम हम लिखते हैं क्या टी हाफ, देखो हाफ लाइफ टाइम इज टी हाफ, टी हाफ क्या होता है वेन टी टेंस टू टी हाफ, बल्कि पहले स्टार्टिंग में लिखो आप कि वेन ए टेंस टू ए नॉट बाई टू, तो वहाँ लिखेंगे क्या लेट टी टेंस टू टी हाफ, जितने टाइम में फाइनल कंसंट्रेशन हमारा इनिशियल का हाफ रह जाएगा हम उसको बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम। यहाँ देखो फॉर्मूला हमारा क्या है टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल, हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या बेटे टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग इनिशियल हो गया ये, और ये क्या हो गया हमारा इनिशियल बाई टू। इसको देखो फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला आप देखोगे टी हाफ होगा आपका 2.303 बाई के लॉग टू, ठीक ऐसे सकते हैं लॉग टू में पता है 2.303 बाई के इंटू 0.3 सकते हो, इसको फाइनली आप ले सकते हो 0.693 बाई के। देखो ऐसा है आपको बुक में सिर्फ डायरेक्ट गिवन होगा, ये बुक में आपको डायरेक्टली दिया रहेगा क्या कि टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के, ठीक है आप ये फॉर्मूला याद करो नो डाउट, लेकिन अगर आपको सिर्फ के दिया गया है, कभी कभी वही फॉर्मूला वही क्वेश्चन आपको जो वैल्यू है किसकी के की या जो के की वैल्यू है या तो 2.303 या टी हाफ के मल्टीपल के फॉर्म में दे देते हैं, तो इसलिए आप ट्राई करो कि इस पूरे फॉर्मूले को याद करिए। ये था हमारा काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको आप एक दो बार देख लीजिए फॉर्मूले जितने हैं। देखो फिजिकल केमिस्ट्री करने का सबसे बेस्ट वे वही है, आप सारे फॉर्मूले पहले याद करो और जितने उस पर सॉल्व क्वेश्चंस हैं आप उनको बार बार देखो, पहले एक दो बार कर लीजिए फिर बिना देखे करिए, आपको आ जाएगा। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।